हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का सैफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी एलो ग्रेवी। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से होटल स्टाइल एलो ग्रेवी अपने घर में कैसे बना सकते हैं। एलो ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले प्याज को काट लेंगे। आप इस तरीके से रफली काट लें। मैं भी ऐसे ही सारी प्याज काट लूँगा और आपको बॉईल करके दिखाऊंगा कैसे बॉईल करनी है। प्याज काटने के बाद आपने ऐसे एक पतीले में डाल देनी है। प्याज का वजन है 1 किलो। मैं पहले भी एलो ग्रेवी बना चुका हूँ लेकिन वो मैंने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बनाया था और स्पेशली होटल वालों के लिए बनाया था, तो उसमें मैंने आपको क्वांटिटी भी नहीं बताई थी आपने कितनी कितनी चीज़ें कितने कितने ग्राम डालनी है। इस वजह से ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ कम क्वांटिटी में स्पेशल घर के लिए। 1 किलो प्याज में आपने डालना है 200 ग्राम काजू। ग्रेवी बनाने के लिए काजू टुकड़े का इस्तेमाल कर लें, साबुत काजू ना डालें। काजू कड़वा नहीं होना चाहिए, बाकी छोटा कितना भी चलेगा। 100 ग्राम मगज, 1 टेबल स्पून हल्दी, बॉयल करने के लिए पानी, ज़्यादा पानी ना डालें, 1 से 1.5 लीटर में बॉईल हो जाएगी, उतना ही पानी डालें। ये देखिए अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। इस तरीके से आपने बॉईल कर लेना है, ऐसे प्याज गल जाना चाहिए और काजू और मगज भी साथ में गल जाएंगे। बस आपने प्याज को ध्यान देना है, काजू मगज में ध्यान ना दें। जब प्याज गलेगी तो वो अपने आप ही गल जाएंगे। और पानी की क्वांटिटी देखें आप, इसी हिसाब से आपने पानी डालना है और ऐसे बॉईल करके आपने कर देना है गैस बंद। गैस बंद करने के बाद आपने इसको ठंडा करना है, उसके बाद पीसना है। मैं भी ठंडा करके पीस लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ तड़का मारना। ये देखिए ग्रेवी मैंने पीस ली है, आप भी इसी तरीके से पीस लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ तड़का आपने कैसे मारना है। तड़का मारने के लिए आपने ऐसा एक एल्यूमिनियम का पतीला लेना है, उसके अंदर सबसे पहले आपने डालना है तेल। 1 किलो ग्रेवी के लिए आपने कम से कम 200 से 250 ग्राम तेल यूज करना है। तेल गर्म होने के बाद आपने सबसे पहले इसमें डालने हैं खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, काली इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च। इन सब की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये आपकी सुविधा के लिए ही मैं ग्रेवी बना रहा हूँ, तो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। मसाले हमने थोड़े से चटका लेने। जब इस तरीके से मसाले हल्के से चटक जाएंगे तब आपने इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से भून लेना है। जब जिंजर गार्लिक इस तरीके से भून जाएगा, हल्का सा लाल हो जाएगा, आपने इसमें डालना है टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी को भी आपने थोड़ा सा भून लेना है, एकदम हल्का। उसके बाद आपने इसमें डालना है हल्दी, थोड़ी सी देगी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला या किचन किंग में से आप एक कोई भी डालें। ये सारी चीज़ें डाल के हल्का सा आपने इनको भून लेना है, हल्का सा बस, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने ग्रेवी पीस कर रखी थी और इसको चला देंगे। उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी। पानी डाल के एक बार आप इसको चला दें, फिर आपने इसकी थिकनेस देखनी है कितनी है। अभी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी है तो मैं इसमें पानी और डालूंगा। अब हम इसको चला देंगे। अब इसकी थिकनेस आपको बताता हूँ। ये देखिए अब ये एकदम पतली हो गई। अब आपने इसको आराम से पकाना है। आप जब भी 1 kg प्याज की एलो ग्रेवी बना रहे हैं तो आपने कम से कम पीसने के बाद उसमें 4 लीटर पानी डालना है। 4 लीटर पानी डाल के आराम से पकाएं, तभी ढंग से पक पाएगी। अब मैं इसको आराम से पकने दूंगा, पकने के बाद आपको दिखाऊंगा कि आपने कितनी गाढ़ी रखनी है। ये देखिए ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये देखिए इतनी गाढ़ी आपने रखनी है।
बहुत ही बेहतरीन हुई है ग्रेवी, इसी तरीके से आपने बनाना है। अब मैं कर दूंगा गैस बंद। गैस बंद करने के बाद आपने इसको छानना है। आप ठंडी करके भी छान सकते हैं या फिर आपके पास सुविधा है तो गर्म भी छान सकते हैं, लेकिन छानना जरूरी है। मैं आपको छान के दिखाता हूँ। छानने के लिए मैंने एक परात लिए, परात के अंदर मैंने रखी है स्ट्रेनर। अब मैं इसको छानने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए, आपने ऐसे ग्रेवी इसमें डाल देनी है। मैं गर्मी छान ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये सुविधा है ऐसे छानने की। आप जल्दबाजी ना करें क्योंकि आपने जलना नहीं है। अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो आप ठंडा करके छानें, उसके बाद आपने ऐसे हिलाना है इसको। ये देखिए, पूरी ग्रेवी निकल जाएगी। और इसको छानते क्यों हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि इसके जो खड़े मसाले होते हैं वो सब बाहर आ जाएं। अब आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आपने इसको स्टोर करना है। इसको स्टोर करने का तरीका बता देता हूँ। अगर आप इसको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो 3 दिन चलेगी, और अगर आपने ज़्यादा दिन चलानी है तो आप इसको हाफ दूसरे डब्बे में रखें, हाफ अलग रखें। तो आप इसको फ्रोजन कर दें, मतलब माइनस टेम्परेचर में रख दें, तो आप जितने दिन चलाना चाहेंगे उतने दिन चल जाएगी। आज मैं आपके लिए लेके आया एलो ग्रेवी, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया आप कैसे बनाएं और कैसे स्टोर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए